गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम कक्षा छठवीं के हिंदी विषय पढ़ेंगे। पाठ चार, पाठ का नाम है दुंगी फूल कने की। इसका पहला भाग हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है, पहला और दूसरा पद्यांश। आज इसका दूसरा भाग है, इसमें हम पद्यांश का तीसरा और चौथा भाग पढ़ेंगे। तो तीसरा पद्यांश है, खड़िया पार्टी कापी बस्ते, लिखना पढ़ना रोज है, खेलेंगी कूदेंगी नहीं तो फिर यह सब लगता बोझ है। इस मुखौटे तुम देखोगे मिट्टी वाली सेब की, आना मेरे गांव में तुम्हें दुंगी फूल कने की। इस पद्यांश का संदर्भ इस प्रकार है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक भारती दुंगी फूल कने नामक से लिया गया है और इसके कवि हैं श्री गंगा प्रसाद जी। इसका प्रसंग इस प्रकार है, इस पद्यांश में कवि ने बताया है कि पढ़ने लिखने के साथ साथ खेलकूद भी आवश्यक है। अर्थ इस प्रकार है, बालिका कहती है कि कापी बस्ती लिखना पढ़ना यह तो रोज होता ही रहता है, लेकिन इसके साथ साथ खेलना कूदना भी आवश्यक है, क्योंकि खेलेंगे कूदेंगे नहीं तो फिर ये पढ़ना लिखना एक बोझ जैसा लगता है। वह बालिका कहती है कि जब तुम मेरे गांव आओगे तो मैं तुम्हें कई प्रकार की मिट्टी की बनी हुई सेब की मुखौटे दिखाऊंगी, जो बहुत ही सुंदर लगता है, और तुम्हें कनेर के फूल भी दूंगी। ये आपका तीसरा पद्यांश है। चौथा पद्यांश है, हंसना रोना तो लगता ही रहता है हर खेल में, रूठे कुट्टी कलमी देखी खिल उठते हैं मेल से, मेरी चिट्ठी फिर के आना मेरे गांव तुम्हें मैं दुंगी फूल कने की। इस पद्यांश का प्रसंग इस प्रकार है, इस पद्यांश में कवि ने कहा है कि खेल खेल में रूठना मनाना लगा रहता है, इसके बारे में बताया है। अर्थ इस प्रकार है, बालिका कह रही है कि खेल खेल में हार जीत तो लगी रहती है, कभी रोते हैं कभी हंसते हैं, कभी कभी अपने दोस्तों से हम नाराज हो जाते हैं, रूठ जाते हैं, बात भी नहीं करते, लेकिन सब कुछ बुलाकर मेल से रहना चाहिए, क्योंकि मिलजुल कर रहने से सुख और शांति की प्राप्ति होती है। बालिका कहती है कि जब मैं तुम्हें पत्र लिखूंगी तो उसका जवाब जब दूंगे तो देखना मैं तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं करूंगी, जब तुम मेरे गांव आओगे तो मैं तुम्हें कनेर के फूल दूंगी। कनेर का फूल जो शिव भगवान में चढ़ाया जाता है, तो बालिका कहती है कि जब तुम मेरे गांव आओगे तो मैं तुम्हें कनेर के फूल भी दूंगी। ये आपका पाठ पूर्ण होता है। इस पाठ से संबंधित, इस पद्यांश से संबंधित आपको कोई प्रश्न उत्तर करना है, कुछ पूछना है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ सकते हैं, और इस पाठ का प्रश्न उत्तर आपको पीडीएफ के द्वारा भेजा जाएगा। थैंक यू।